होटल मानसी पैलेस नियरखेड़ा सर्किल सेक्टर 14 उदयपुर, जहां है हाउरली बेसिस पर रूम अवेलेबल। जॉब इंटरव्यू हो, एग्जामिनेशन हो या हो कोई बिजनेस मीटिंग, होटल मानसी पैलेस में मिलेंगे रूम्स 24/7। आज ही बुक कराएं अपना रूम। इल्मी व बरेलवी सुन्नी मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के मोहसिन हैदर ने बताया कि पैगंबरे इस्लाम के नवासे हजरत इमाम हुसैन व उनके साथ मैदान करबला में शहीद हुए जानिसारों की याद में व यौम आशुरा के मौके पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहर के अम्बावगढ़ पहाड़ी स्थित हजरतगंज शहीदा सरकार अम्बावगढ़ वाले बाबा की दरगाह परिसर में बुधवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके तहत शाम को अस्त्र की नमाज के बाद मस्जिद में कुरान खानी का आयोजन किया गया, जिसमें इस मौके पर मौजूद लोगों ने कुरान शरीफ पढ़ा। उसके बाद हजरत मौलाना बाबुल हुसैन के फातिहा खानी की। इसके बाद शहर भर से इफ्तार प्रोग्राम में शिरकत करने आए लोगों ने अपना रोज़ा शाम 7:30 बजे इफ्तार किया, जिसमें शहर भर के मर्द, औरतें, जवान, बूढ़े व बच्चों ने अपना रोज़ा इफ्तार किया। इस बार छोटे बच्चों में भी रोज़ा रखने का जज्बा देखने को मिला। अपनी छोटी उम्र में ही उन्होंने यौमे आशुरा के मौके पर अपना पहला रोज़ा रखा। इस अवसर पर शेख जाकिर हुसैन, अब्दुल हुसैन खान, मोहसिन हुसैन अजहरी, हाजी आरिफ खान, अनवर मंसूरी, हाजी सलीम खान, महमूद खान, नईम अहमद, वहीद शेख, इसहाक मोहम्मद, आबिद हुसैन, फिरोज खान, अब्दुल कादिर छिपा व हबीब नबी खान सहित अन्य मौजूद रहे। जुलूसे हुसैनी साथ ही बाद नवाज मगरिब सिलावट वाड़ी स्थित मस्जिद हुज्जतुल इस्लाम से जुलूसे हुसैनी रवाना हुआ, जो खलीफाए कायदे मिल्लत हजरत मौलाना मुसन्ना जहांगीरी की अगुवाई में कलाम पढ़ते हुए जुलूस जाटवाड़ी नई पुलिया से होते हुए अस्ताना ए आलिया अम्बागढ़ दरगाह पर पहुंचा, जहां पर हमदनात मनकबत पढ़कर सलातो सलाम पढ़ा गया और दुआएं की गई।